मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना की समस्या से पूरा देश पिछले एक साल से जूझ रहा है। लोग कहीं भी आ जा नहीं पा रहे हैं। इस ना आ जा पाने की पीड़ा को मुझसे ज्यादा भली भांति और कौन समझ सकता है। मैं पिछले एक साल से कहीं भी नहीं जा पा रहा हूं और इसलिए आपके लिए ये समस्या बढ़कर के एक से दो हो जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, खास करके इस कोरोना की समस्या से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दूसरी समस्या बाद में देख लेंगे। भाइयों बहनों, कोरोना को मैं बचपन से ही समझता आया हूं, लेकिन पिछले एक साल में कोरोना को मुझे करीब से समझने का मौका मिला है और मुझे पता चला है कि कोरोना में जितनी बुराइयां हो लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। अगर आप बेवजह कहीं घूमने के लिए निकले हुए हैं तो कोरोना आपको नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन अगर आप चुनावी रैली के लिए निकल रहे हैं, चुनावी कारणों से निकल रहे हैं, तो कोरोना आपको कुछ भी नहीं कहेगा। और जब ये बात मुझे पता चली तो मैं ज्यादा दूर तो नहीं गया, लेकिन पड़ोस के बांग्लादेश में भी होकर आ गया। अगर आपसे भी मेरी तरह घूमे बिना नहीं रहा जाता है तो आपके पास सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप चुनावी मंशा को लेकर के निकलिए। मन में चुनावी मंशा हो तो कोरोना आपको कुछ भी नहीं कहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक और बात, कोरोना को ये व्यक्ति पसंद नहीं होते हैं जो किसी मनोरंजक शो में जाते हैं, जो किसी जिम में जाते हैं, जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इसलिए ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने डंबल उठाइए और चुनावी रैली में जाइए। वहां जाकर के आप जिम भी कर सकते हैं और डंबल भी उठा करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कोरोना आपको वहां कुछ नहीं कहने वाला है। रही बात मनोरंजन की, तो भाइयों बहनों, चुनावी रैली में मनोरंजन की कोई कमी नहीं होगी, ये भी मेरा वादा है। साथियों, अगर किसी और को भी घूमना है, बाहर निकलना है, तो एक उपाय मैं और बता रहा हूं कोरोना से निपटने का। आप एक कमेटी बना लीजिए भैया, अपने इलाके की कमेटी बना लीजिए, कोई उपचुनाव रख लीजिए, बनाई हुई कमेटी का अध्यक्ष चुन लीजिए, पार्षद चुन लीजिए दोबारा, कुछ भी किसी भी प्रकार का चुनाव अगर आप करेंगे, चुनाव के मंशा से निकलेंगे तो कोरोना कुछ भी नहीं कहेगा। बेवजह अगर आप निकले, रात को निकले, तो कोरोना आपको छोड़ेगा नहीं, ये भी मुझसे कोरोना ने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।